किशनगंज के पोठिया में चाय बागान में कब्जा करने का मामला फिर से गर्मा गया है। गोरुखाल पंचायत के कच्चा कुआ चाय बागान में अवैध कब्जा को लेकर जमकर उत्पात मचाया गया है। यहां पर सबसे पहले बागान कर्मियों को पत्ता तोड़ने से रोका गया, फिर मामला तूल पकड़ने पर बागान में खड़ी गाड़ी को फूंक दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और कब्जा करने आए लोगों को खदेड़ दिया है। बागान संचालक का कहना है कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए इस तरह की हरकत इस क्षेत्र में लगातार करते आ रहे हैं और आदिवासी समाज को बहकाकर इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है जो अनुचित है। इस बाबत उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। पोठिया और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बार बार भूमिहीन होने का बहाना बनाकर बागानों में अवैध कब्जा करने का मामला पेश आने से कारोबारी परेशान रहते हैं। हम लोग यहाँ चले आए, कुछ लेबर यहाँ चले आए, एक गाड़ी में वहाँ पत्ती भी है, जो कुछ पत्ती था वो, और फिर कुछ लेडीजें यहाँ आ गई कि ऑफिस बंद करें। तो हमारा लेबर जो सब है ये प्रोटेस्ट किया कि नहीं तुम लोग ऑफिस कैसे बंद करोगे, हम लोगों का रोजी रोटी है। तो वहाँ से लौट गए, जा करके जीप वहीं था, जीप को फूंक दिए, गाड़ी का सुनते हैं हवा निकाल दिए, उसके बाद तो कोई गया नहीं उधर। लोग वहाँ है ना, वहाँ कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, सब वो गाड़ी फूंकने के बाद सब चले गए। Thank you.